हाय गाइस, आज हम रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के फीचर्स देखेंगे। पहले मैं लॉगिन करती हूँ। हमारी पहली स्क्रीन है डैशबोर्ड, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी प्रोडक्ट्स कितनी हैं, हमारी कितने ऑर्डर्स पेड हैं, कितने यूज़र्स हैं, आपके रेस्टोरेंट की ब्रांचेस होगी तो वो टोटल स्टोर्स भी है, हम आप देख सकते हैं। यूज़र्स यानी स्टाफ्स, आपकी रेस्टोरेंट में जो स्टाफ्स काम करते हैं उनको भी हम एक यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे। और फिर यूज़र्स में जाके एक नई स्टाफ है तो आप ऐड यूज़र देंगे। यूज़र में आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है और स्टोर यानी जिस रेस्टोरेंट की जिस ब्रांच में वो काम करते हैं उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स। ग्रुप्स में आप बिलिंग ग्रुप, किचन ग्रुप या किचन में काम करने वाले शेफ, ये सब किचन ग्रुप के नीचे आएंगे। और फिर बिलिंग स्टाफ है तो बिलिंग ग्रुप के नीचे, ऐसे आप ग्रुप कर सकते हैं। और फिर मैनेज यूजर्स, इसमें आप यूजर्स की डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। और फिर ग्रुप्स में आप ऐड ग्रुप कर सकते हैं और इस ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं। तो एक बिलिंग ग्रुप है तो एक बिलिंग स्टाफ को सिर्फ बिलिंग पेज की एक्सेस हम देंगे। ये एक्सेस, पेज एक्सेस आप मैनेज ग्रुप्स में कर सकते हैं, जिस ग्रुप को जो पेज की एक्सेस देना है, ये सब आप इस मैनेज ग्रुप्स में डिसाइड करेंगे। और फिर स्टोर्स हैं, स्टोर्स में जाके आपकी कितनी भी ब्रांचेस हैं वो आप यहाँ संभाल सकते हैं। और फिर टेबल्स में आपकी रेस्टोरेंट में नई टेबल है तो आप ऐड टेबल देंगे और उस टेबल का कैपेसिटी, उस टेबल में कितने लोग बैठ सकते हैं वो कैपेसिटी, उस टेबल का स्टेटस, वो टेबल किस रेस्टोरेंट में है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ भर देंगे। और फिर टेबल्स की स्टेटस भी आप देख सकते हैं, वो टेबल अब अवेलेबल है या नहीं है। और फिर कैटेगरीज मेनू के लिए हैं, आप मेनू में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि नॉन वेज, वेज, डेसर्ट, स्टार्टर्स। और फिर प्रोडक्ट्स यानी डिशेस, नॉन वेज कैटेगरी में मटन बिरयानी एक डिश है तो वो ऐड प्रोडक्ट में मटन बिरयानी, उसका नाम आप यहाँ देंगे और वो डिश में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, उस डिश का प्राइस कितना है वो सब आप यहाँ देंगे। उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट्स में आप वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ देखेंगे और प्राइस, वो स्टेटस, अभी वो डिश अवेलेबल है या हम बना सकते हैं, ये सब आप यहाँ देखेंगे। और फिर ऑर्डर्स में आप ऑर्डर्स मैनेज करेंगे, एक नई ऑर्डर है तो ऐड ऑर्डर में जाके देंगे। तो टेबल टू ने मटन बिरयानी ऑर्डर किया तो आप यहाँ जाके उसे फिल करेंगे। जैसे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आपको जीएसटी के साथ बिल यहाँ दिखाएगा। और फिर मैनेज ऑर्डर्स में जाके आप ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि ऐड ऑर्डर में अभी हमने देखा टेबल टू ने कुछ प्रोडक्ट मंगाया है तो अभी टेबल टू बिजी है तो मैनेज ऑर्डर्स में टेबल टू अनअवेलेबल दिखाएगा। अगर टेबल टू ने उस प्रोडक्ट का प्राइस इफ दे पेड, मैनेज ऑर्डर्स में वो टेबल अवेलेबल दिखाएगा। उसके बाद रिपोर्ट्स में आप अपनी प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, साथ ही साथ स्टोर वाइज रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। कंपनी इन्फो में आप कंपनी का नाम, वैट चार्जेस, एड्रेस, ये सब आप बदल सकते हैं। प्रोफाइल में आप यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब बदल सकते हैं चाहे तो। और फिर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप नई यूजर आईडी, फोन नंबर, ये सब बदल सकते हैं। इस तरह एक रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर काम करता है। आपको इससे भी एडवांस फीचर्स के साथ रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, www.litztech.in, इसमें हमारी कांटेक्ट है। आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।